देखा जाए, बिहार में देखा जाए, एक हॉट बना रहता है, लेकिन आज बहड़िया में एक बाइक इस तरह की नज़र, आखिर अरेंज कौन किया है? सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी नेता नेत्री हमारी हिना साहब, ओसामा साहब के, ये मैं पूरे ज़िले में हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की सोच हमको भी कहना पड़ा, लेकिन ये सख्त ममानियत है कि किसके तरफ से किया जा रहा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों को काम करते रहना है, मेहंदी जब लग जाएगी तो अपना रंग दिखाएगी ही, समझ गए कि नहीं? इसलिए आज इतिहास के पन्नों में आज बहड़िया सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा, जो कि हम लोग इस तरह का इंतजाम कराया गया है। यानी पूरा सिवान जिला में हिना साहब और ओसामा साहब के कहने पे उन्हीं लोगों का आह्वान है पूरा जिला में रामनवमी में ये सब जुलूस लगाया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको हम त्यौहार होता था, हिंदू के त्यौहार हो या मुसलमान भाई का त्यौहार हो, तो यहाँ की तमाम जनता बहुत टूट चुकी है, एक दूसरे से भयभीत हो चुकी है। हमारे त्यौहार में हिंदू भाई नहीं आते थे, हम उनके त्यौहार में नहीं जाते थे, क्यों? एक कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हो गया है, लोगों को लगता था कि उसका त्यौहार है, हम जाएंगे कुछ हो जाएगा, ऑकरेंस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो हम लोगों का मतलब हम एक ही बात कहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं हूं आपके साथ यूनुस। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे रामनवमी है और बहड़िया के ये खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि बहड़ी के कई लोग बदनाम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन आज बहड़िया में देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम का एक जो ओरिजिनल प्रतीक होता है ना, वो दिखाई दे रहा है, आप लोग कैमरा पे देख रहे होंगे। हालांकि कई सौ के संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भक्त जो हैं रामनवमी को लेकर जुलूस को निकल रहे हैं, सीधे यमुनागढ़ से सीधे थाना चौक आएंगे और यहाँ से सीधे बाबा के मठिया पर जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में, इसी बीच में हर चौक चौराहे पे जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दिखाइए एक मरतबा कैमरा से इधर, यहाँ पे फ्रूट है, पानी है, कई प्रकार के फ्रूट ये रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऐसे कर दिए गए। हमने इनसे कहा कि बातचीत करेंगे, उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको फ़ोटो लेना है ले सकते हैं, लेकिन हम बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर सेवा करेंगे और लोगों को जो भक्त लोग आएंगे उन्होंने पिलाएंगे। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लेकिन नेता लोग हैं तो बातचीत तो बनता है नेता लोगों से। सोनू भाई हैं और साथ में ये बहड़िया के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। सोनू भाई, आज आप लोगों ने पहली मरतबा बहड़िया में इस तरह से दृश्य को बनाया है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से रामनवमी की ढेर सारी जिलावासियों को, देशवासियों को ढेर सारी बधाई, और हम लोग को लगता है कि बहड़िया और देश हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे का देश है, और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं। जिस तरह से हिंदू लोग हम लोग के त्यौहार को मनाते हैं, उस तरह हम लोग भी हिंदू के त्यौहार को बढ़ चढ़ के मनाएं और उसमें सहयोग करें। सोनू जी, पर्सनली सवाल है, बहड़िया सिवान जिला में देखा जाए, बिहार में देखा जाए, एक हॉट बना रहता है, लेकिन आज बहड़िया में एक बाइक इस तरह की नज़र, आखिर अरेंज कौन किया है? सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी नेता नेत्री हमारी हिना साहब, ओसामा साहब के, ये मैं पूरे ज़िले में हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग और सारे लोग उसमें कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। पूरे ज़िला में हर मतलब चौक चौराहे पे इस तरह का इंतज़ाम कराया गया है। यानी पूरा सिवान जिला में हिना साहब और ओसामा साहब के कहने पे उन्हीं लोगों का आह्वान है पूरा जिला में रामनवमी में ये सब जुलूस लगाया जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की सोच रख के वो आगे चल रहे हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे। चाहेंगे, हालांकि आपसे बातचीत बहुत कम होती है, एडवोकेट हैं, बातचीत करने में काफ़ी टैलेंट भी हैं और बहड़िया विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस तरह से बहड़िया में पहली मरतबा इस दृश्य को बनाया गया है हिना साहब के आह्वान पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी नेत्री, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। रही बात ये जो प्रोग्राम चल रहा है हिना साहब के आह्वान पर और उनके निर्देश पर किया जा रहा है कि हमारे जो भी श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में आएँ, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी रहेगी, उनको कम से कम गला तर करने के लिए इस पानी और जो जूस है उससे उनका गला तर किया जाए, ताकि शोभा यात्रा में किसी तरह का कोई प्यास की परेशानी नहीं हो।
क्या इस कार्यक्रम से लोगों में मोहब्बत बढ़ेगी? नेचुरली मोहब्बत बढ़ेगी, चूँकि जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो यही ना सब चीज़ है कि मोहब्बत बढ़ाने का जो तरीका है। दिखावा की बात नहीं है, ना कोई बैनर है ना कोई पोस्टर है, लेकिन आपने जो पूछ दिया हमारे सोनू बाबू से किसके तरफ से हुआ तो उन्होंने कह दिया, तब मजबूर होकर हमको भी कहना पड़ा। लेकिन ये सख्त ममानियत है कि किसके तरफ से किया जा रहा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों को काम करते रहना है। मेहंदी जब लग जाएगी तो अपना रंग दिखाएगी ही, समझ गए कि नहीं, इसलिए बताना नहीं है। लेकिन मैडम गवान में तरवारा प्रखंड ये जी 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 ये पूरे जिला में उनके तरफ से ये आह्वान किया गया कि उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं उनको निर्देश दिया गया है, उन्हीं के निर्देश पर सारा काम हो रहा है। सुनील मुखिया जी चुनाव भी लड़ चुके हैं आप, बहड़िया में एक्टिव भी रहते हैं, इस तरह के जो पहली मर्तबा दृश्य देखने को मिल रहा है, कितना गर्वभावुक महसूस कर रहे हैं बहड़िया को लेकर? आज इतिहास के पन्नों में आज बहड़िया सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा, जो कि हम लोग ये बहड़िया में कुछ दंगा हुआ लेकिन नाम के लिए होता रहा और होता है, और कुछ लोग व्यक्ति है जो कराते हैं, आज उन लोगों को वंचित रखा गया। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, जो भी करवाए आज लगे तो कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हम लोग आज 4 महीने से काम कर रहे हैं बहड़िया पुरानी बाज़ार में, जो कि मुसलमान 10 आदमी हैं 10 हिंदू, हम लोग कमेटी बना के चल रहे हैं। आज उस कमेटी की रंग दिखेगी बहड़िया गांव में कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में हम लोग रामजानी में रहेंगे। और आज एक अभी मैं जो देख रहा हूँ मोबिन साहब के माध्यम से और सोनू बाबू के माध्यम से, मैं गया था लेकिन कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा ये बहड़िया ब्लॉक में ये जो आज राम जन्म अति उत्सव के स्थिति में जो पानी और जूस का व्यवस्था किया गया है ये सराहनीय है। जितना भी हम तारीफ़ करें जिसको भी, वो मेरे लिए कम है, मेरे समझ से कम है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अमन चैन से रहें, सब लोग कमाएं, सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छा से रहें, यही बहड़िया का होना चाहिए, यही मेरा विचार है। सबका विचार अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा ही बहड़िया बनेगा। और बहड़िया कल तक जो कलंकित हुआ करता था, आपके चैनल से आपके माध्यम से आज वो बहड़िया सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके हमने रामजन्म मनाया और आगे भी हर एक पर्व मनाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा परिचय आपका? सुनील कुमार, पूर्व मुखिया बहड़िया सदर। आइए, जो यहाँ पे हट जाएगा मतलब देखिए बहुत ऐसा जूस यहाँ पे, सिर्फ टेबल पे इतना आटा है, साइड में लीची का जूस है और ऑरेंज का जूस है, तमाम ऐसे जूस है उधर भी रखा गया है, और इधर तब दिखाइए एक मरतबा, और दाहिने तरफ देखिएगा ना एक उधर भी लगाया है, चूँकि बहुत ज़्यादा सर भक्त आएंगे। देखिए दाहिने तरफ ये जूम करके दिखाइए, हम बातचीत करेंगे उन लोगों से भी, हालांकि बातचीत करने के लिए सक्षम वो लोग हैं नहीं एक्चुअली, लेकिन कहेंगे कैमरा मैन से दिखाएं एक मरतबा। देखिए ये लोग अभी काफ़ी देर से ये लोग तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे भक्त लोग आएंगे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना है, और उन लोगों को इस तरह के जूस पिलाना है, चूँकि लगे कि बहड़िया में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखा जा रहा है। एक मरतबा इधर आ जाइए आप, देखिए कई से कार्टून दिखाइए ना भाई, कई कार्टून वहाँ पर लगाया गया, हो गया तमाम जूस रखा गया है। नहीं इधर आइए, रमजान का मौसम चल रहा है और इस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था किया है, कितना खुशी महसूस हो रही है? अदम खुशी महसूस कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं बहड़िया के तमाम जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी त्यौहार होता था, हिंदू के त्यौहार हो या मुसलमान भाई का त्यौहार हो, तो यहाँ की तमाम जनता बहुत टूट चुकी है, एक दूसरे से भयभीत हो चुकी है। हमारे त्यौहार में हिंदू भाई नहीं आते थे, हम उनके त्यौहार में नहीं जाते थे, क्यों? एक कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हो गया है, लोगों को लगता था कि उसका त्यौहार है, हम जाएंगे कुछ हो जाएगा, ऑकरेंस हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो हम लोगों का मतलब हम एक ही बात कहेंगे, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तरीका से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को सबको एक रहना है। 2000 लोगों की व्यवस्था आप लोगों ने किया, लगभग हम लोगों का 10,000 के आसपास का, जी बहड़िया लगा है जी बिल्कुल। तो देखिए अब दिखा जाते हैं कि तमाम जो टीम है जो कि टोपी लगाए हुए हैं, और ये लोग जो भक्त आएंगे भगवा कलर पहनकर, और ये लोग टोपी लगाकर जब पानी पिलाएंगे तो बहड़िया का वो खूबसूरत दृश्य होगा, वो देखने लायक वो नज़ारा होगा, वो भाईचारा होगा। देखिए जूस भी बहुत प्रकार के जूस है यहाँ पे, लीची है, ऑरेंज जूस है, और पानी है, स्टॉल, तमाम ऐसे चीज़ हैं एकदम नेचुरली है, जो कि आर्टिफिशियल जो आता है सब पैकिंग है, सिर्फ खोल कर उनको दे देना है। आएंगे भक्तों उन लोगों से भी बातचीत होगी, जब तक बहुत बहुत शुक्रिया।